राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में दौरा कर ईसीआरपी आभार जनसभा को संबोधित किया। इसी कड़ी में सीएम शर्मा सवई माधेपुर विधानसभा क्षेत्र के मलारना चौड़ गांव के महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित ईआरसीपी आभार सभा में पहुंचे। सभा में सीएम के पहुंचने के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कई भाजपा के विधायकों ने सीएम का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन आभार सभा स्थल पर मौजूद आमजन और लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह सफाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश भगवान की धारा को नमन करते हैं, जहां के त्रिनेत्र गणेश जी की कृपा से इस डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान के पूर्वी जिले को ईआरसीपी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की सरकार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा करने का शुभारंभ हो चुका है। ।2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हमेशा राजस्थान से 25 की 25 सीट दो बार से जाती है। इस बार भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीट तो आप 25 देंगे, लेकिन एक भी बूथ ना रहे, एक भी शक्ति केंद्र नहीं रहे और कोई भी लोकसभा हमारी ऐसी नहीं हो जो 5 लाख वोटों से हम कम जीते हैं और जाकर के 25 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी को दें और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा ये भारत 21वीं सदी का दुनिया का मुकुट बने, दुनिया का ताज बने, 21वीं सदी भारत की हो, यह मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों।